हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको दिखाऊंगा फुल रेस्टोरेशन। ये जो ब्लू कलर का बाइक आप देख रहे थे, पहले ऐसा था, ब्लैक कलर में था। ये 1988 मॉडल है। तो ये बाइक पूरा, पहले तो A to Z इसका रिमूव होगा, इंजन का फुल पार्ट्स, उसके बाद पेंटिंग पे जाएगा, और पेंटिंग से आने के बाद दोबारा से फिटिंग होगा। तो आप वीडियो पे बने रहना लास्ट तक, मैं आपको पूरा रेस्टोरेशन का वीडियो दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं आप, बाइक पूरा खोल गया है, सारा पार्ट्स A to Z अभी निकल गया है बाइक का। तो इसमें से जो जो सामान पेंटिंग पे जाएगा, अभी मेरा मैकेनिक वो सामान को पेट्रोल या फिर डीजल से वॉश करके पेंटिंग पे भेज देगा। इसमें जाएगा चेसिस, और चेसिस का भी कुछ काम है वेल्डिंग का। इसका मेन स्टैंड का जगह थोड़ा ख़राब हो गया था, तो इसके लिए वहाँ पे वेल्डिंग किया है। अभी मैं दिखाऊंगा इसका मेन स्टैंड का जगह कहाँ पे वेल्डिंग का काम हुआ है। आप देख सकते हैं ये मेन स्टैंड, इसके जगह पे हमने वेल्डिंग का काम कराया है। इसका जो होल है वो बड़ा हो गया था। अभी सारा ब्रेक पेडल, ब्रेक कैम, हाफ प्लेट, फ्रंट हाफ प्लेट, ये सब अभी केरोसिन और डीजल से अभी वॉशिंग होगा, उसके बाद पैकिंग हो रहा है, अभी पेंटिंग के लिए जाएगा। अभी देख सकते हैं आप, सारा सामान पेंट होके आ गया। हमने इंजन केस को हमने एडजस्ट कर दिया है अभी, और इसमें गियर बॉक्स और क्रैंक शाफ्ट फिटिंग हो गया है, बेयरिंग वगैरह फिटिंग हो गया है। सारा जेन्युइन यामाहा का सामान से हमने रेस्टोरेशन का काम शुरू किया है। तो चेसिस पे इंजन अभी चर गया है, अभी धीरे धीरे आप देखो, वीडियो में आप बने रहो, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। और फ्रेंड, जो जो मेरा चैनल पे नए आते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, इससे मेरा मोटिवेशन बहुत अच्छा होता है, ताकि मैं और भी आपके लिए ऐसा वीडियो बनाते रहूं। आप देख सकते हैं बाइक का काम चल रहा है, इसका स्पीडोमीटर भी अभी फिट हो गया है, इसमें हैंडल बार लगेगा, पायलट लैम्प लगेगा, वो बाद में लगेगा। तो अभी हमारा मैकेनिक बहुत खुश है, क्योंकि उसका बर्थडे था, हमने छोटा सा एक पार्टी रखा था। तो फिर अभी हमारा काम अब देखो और एंजॉय करो। तो अभी हेडलाइट स्टे लग गया है, पायलट लैम्प भी लग गया है बाइक पे पूरा, हैंडल बार भी लग गया है, आफ्टर मार्केट हैंडल बार मैंने लगाया है, और बाकी सारा सामान ओरिजिनल है। इसका इंजन का कलर जो है मैंने मेटालिक कलर में लगाया है, जो पल्सर का मेटालिक कलर आता था वो, और इसका टैंक और साइड पैनल मैंने यामाहा R15 में जो ब्लू कलर आता था उस कलर की कोट से मैंने ये कलर कराया है। ये ब्लू कलर बाइक का एक RX 100 में नहीं आता था। अब कंपनी से जो जो RX बन के आती थी उसमें से ये कलर नहीं था, ये मैंने खुद बनाया है। ये यामाहा R15 का कलर है, टैंक और साइड पैनल का, आप देख सकते हैं। अभी सबका अपना अपना चॉइस होता है, तो ये मैंने मेरा हिसाब से बनाया है। से बाइक है RD 350, मैं ढूंढ रहा हूँ, अगर RD 350 एक मिलेगा तो उसका भी मैं वीडियो बना के आपको दूंगा। और ये हैंडल बार पे हमने प्रोटेपर का लगाया है, इसका सीट अभी पुराना है और नंबर प्लेट पुराना है, तो ये सीट
चेंज होगा नंबर प्लेट, हमने वो RTO से जाके लगाऊंगा, इंडिया का जो INT नंबर प्लेट आता है वो लगेगा इसमें। ये विंटेज नंबर है, ये AMD, ये गुवाहाटी रजिस्टर्ड है, 1988 का बाइक है। अभी सीट देख सकते हैं आप, हमने सीट भी चेंज कर दिया है, चेन कवर में भी ओरिजिनल स्टिकर लगा दिया है, और इसमें अभी बस पीछे का नंबर प्लेट चेंज होने वाला है। आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर कितना शानदार।